ये दिमाग से भावनाएं निकाल दो कि राखी का त्योहार दो बहन भाई ही मना सकते हैं। एक बहन जो बड़ी है अपने कर्तव्य समझती है, अब छोटी बहन का ध्यान रख सकती है, उसे प्यार दे सकती है, जरूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सकती है, वो एक भाई से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। और ये त्योहार आज उतनी ही खुशी से मनाएं जितना ये कल्पना कर रहे थे पिछले 9 महीनों में कि हमारे यहाँ भाई आएगा और हम इस त्योहार को ऐसे मनाएंगे। प्रोत्साहन दे, बेटियों को मान सम्मान दे। उसी कड़ी में आज हमने ये फैसला किया कि हमारे यहाँ जो बेटियाँ हुई हैं उनके कोई भाई नहीं है, दो दो बेटियाँ, दो दो बहनें अब वो हो गई हैं एक दूसरी बेटी होने के बाद। तो आज हमने फैसला किया क्यों ना हम इनको एक बहन से दूसरी बहन को हम अपनी तरफ से राखी बंधवाएं। बहुत खुशी है, इसलिए सम्मान किया दोनों बेटियाँ का, एक बेटी ही तो ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी दो लड़की हुई है, आगे भाई बहन सारा एक सा है आजकल, अब तो कोई मतलब दुखी वाली बात नहीं है। चार बेटी है, कोई बात नहीं, बेटे बराबर है अपने बेटी। अब ये कहना चाहिए हमारी चार बेटी हुई है तो हम भी अच्छे खुश हैं। सर ये वो डिलीवरीज हैं जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हमारे हॉस्पिटल में हुई। डिलीवरी होते ही यहाँ एक थोड़ी सी मायूसी मैंने इनके चेहरे पर देखी जब इन्होंने कहा कि जी राखी का त्योहार आ रहा था, हम तो इंतजार कर रहे थे भाई आ जाता तो लड़कियों को भाई मिल जाता। ये भावना हमें अच्छी नहीं लगी और हम दोनों ने इसीलिए ये विचार किया क्यों ना इस राखी पर इन्हें यही मैसेज दिया जाए। ये किसने कहा कि अगर दुख तकलीफ है तो भाई ही आके रक्षा करेगा या भाई ही बहन का साथ देगा। सर ये त्योहार है प्यार और अफेक्शन दिखाने का, जरूरत पड़ने पर मदद करने का। कि हमारे यहाँ जो बेटियाँ हुई हैं उनके कोई भाई नहीं है, दो दो बेटियाँ, दो दो बहनें अब वो हो गई हैं एक दूसरी बेटी होने के बाद। तो आज हमने फैसला किया क्यों ना हम इनको एक बहन से दूसरी बहन को हम अपनी तरफ से राखी बंधवाएं, जिससे कि जो भाई जो एक बहन की मदद करता है मुसीबत के समय में, जो रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में माना जाता है, वो एक बहन भी दूसरी बहन की उसी तरीके से जो रक्षा और मान सम्मान करेगी जिस तरीके से एक भाई करता है। खुशी है कि मेरी दो लड़की हुई है, आगे भाई बहन सारा एक सा है आजकल, अब तो कोई मतलब दुखी वाली बात नहीं है। पहले बहुत मायूसी होती थी, हमारी योजना चलाने के बाद कुछ हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, आप स्वयं इनसे बात कर सकते हैं, आज वो बड़ी खुश हैं कि उनको दूसरी बेटी हुई है। पहले जैसी वो बात नहीं रही है, अब हरियाणा बदल रहा है।